नमस्कार दोस्तों, टूनी द व्लॉग में आप सबका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ श्री कृष्ण भगवान की ये चार बातें। कलयुग में आप अगर इन बातों को मानते हैं तो आपका जीवन बहुत ही आसान होता है इस कलयुग में। यहाँ पर बहुत सारी चीजें रहती हैं बताने को, जानने को, लेकिन ये चार बातें जो इंसान अपने जीवन में फॉलो करता है उस इंसान को कभी भी दुख का सामना नहीं करना पड़ता है। ऐसा नहीं बोलूंगी कि दुख किसी के जीवन में नहीं है, जरूर है, लेकिन जो इंसान बुद्धिमान होता है वो हमेशा इन चार बातों को ध्यान जरूर रखता है। तो आइए जानते हैं और इन चार बातों को हम अपने जीवन में अप्लाई करते हैं। दोस्तों आधुनिक जीवन में सफलता का अर्थ होता है पैसा, सुख सुविधा, और सुख सुविधा से रिलेटेड जो चीज़ें होती है वही हमारा सक्सेस का कारण होता है। हम ऐसा ही मानते हैं, है ना? तो आप जितना भी धन कमा लेंगे दुनिया आपको उतना ही कामयाब कहेगी। यानी आपके पास इतना पैसा है, आप इतने सक्सेसफुल हो तो लोग आपको कामयाब ही कहेंगे। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने कई नीतियों के उपदेश दिए हैं। इसमें बताए गए एक श्लोक के अनुसार जो मनुष्य ये चार आसान काम करता है उसे निश्चित ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है। ऐसे मनुष्य के जाने अनजाने में किए गए पाप कर्म माफ हो जाते हैं और उसे नरक नहीं जाना पड़ता है। तो वो कार्य क्या है, चलिए जान लेते हैं। वो सबसे पहला कार्य होता है दान करना। जी हाँ, दान करने का अर्थ है किसी जरूरतमंद को आप किसी भी चीज को दे, वो भी निःशुल्क, यानी बिना अर्थ के। किसी भी चीज को उपलब्ध कराना, यानी सामने वाला इंसान उसे पाने में वो अक्षम है, लेकिन आप अगर सक्षम है तो आप उस इंसान की हेल्प जरूर की। दोस्तों दान करने से पहले और दान करने के बाद ये किसी को नहीं बताना चाहिए, क्योंकि दान हमेशा गुप्त ही रखना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो इसके फल जो है वो दुगुना तिगुना बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर बताया गया दान करने से पहले आप सबको बता रहे हैं, दान करने के बाद आप सबको बता रहे हैं, तो ये चीज कहीं ना कहीं स्वार्थ आ जाती है। तो इसीलिए दान हमेशा गुप्त होना चाहिए। दूसरी बात, आत्मसंयम। जी हाँ, कई बार ऐसा होता है कि हमारा मन और दिमाग दोनों विपरीत दिशा में जाता है, है ना? हमारा मन कुछ कहता है, हमारा दिमाग कुछ कहता है, तो हम अधर्म कर बैठते हैं इसी चक्कर में। तो गीता में भी ऐसा कहा गया है कि जो इंसान अपने मन के वश में चला जाता है वो इंसान कोई भी पाप करने की संभावनाएं उसमें बढ़ जाती है। इसीलिए हमेशा अपने में संयम रखे, सोच विचार करे, उसके बाद ही कोई कर्म करे। तीसरी बात, सत्य बोलिए। जी हाँ, कलयुग में सत्य और असत्य का पता लगाना बहुत मुश्किल हो। किसी भी व्यक्ति की बात सुनने मात्र से आप ये नहीं कह सकते हैं कि वो इंसान सत्य बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। तो आप अगर भूतकाल में यानी पास्ट में कोई ऐसी गलती कर चुके हैं या काम किया है तो आप अपने शेष जीवन में हमेशा अच्छे कर्म करके सत्य बोलकर अपने प्रायश्चित कर लिया कीजिए, क्योंकि ऐसा करने से आप देखेंगे कि आपके अधर्म की संख्या कम हो रही है और धर्म की संख्या बढ़ रही है। चौथी बात, यानी जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, वो है ध्यान या जप करना। दोस्तों इस मॉडर्न युग में अभी ऐसे बहुत से कम लोग बचे हुए हैं जो ध्यान, साधना और मेडिटेशन में ज्यादा ध्यान देते हो। पूजा पाठ भगवान को प्रसन्न करने के लिए ये इनके एटीट्यूड में दाग लगने के समान हो जाता है। ये सारी जो चीजें होती है, साधनाएं, ध्यान, पूजा पाठ, दूसरों को दान धन, ये सारी चीजें करने का अर्थ होता है स्वयं को स्वयं के साथ मिलवाना, यानी खुद को खुद से मिलवाने का अर्थ होता है। लेकिन नियमित रूप से अगर आप अच्छे मन से जाप करते हैं, ध्यान करते हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि हम कौन है, तो अगर इसे जानना है तो इसके लिए हमें ध्यान, जप, साधना, पूजा, ये सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। अगर आप नियमित रूप से स्वच्छ मन से और साफ सुथरे दिमाग से अगर जप ध्यान करते हैं तो भूल से भी हो गई जो गलती होती है वो उसका पाप आप पर नहीं जाता। और साथ में भगवान ईश्वरीय शक्तियों को प्राप्त करने के लिए जप, ध्यान, मेडिटेशन और पूजा पाठ, ये आपको और ज़्यादा करीब लेकर जाता है। तो आई होप ये चार बातें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। बहुत कोई इसका उपयोग करते हैं और वो अपने जीवन में सक्सेस को देखते हैं, लेकिन आप में से भी बहुत कोई ऐसे लोग हैं जो इन बातों का ध्यान नहीं रख पाते हैं। अगर नहीं रख पाते हैं तो आज का वीडियो आप लोगों के लिए है, और इन सारी चीज़ों पर सोच विचार करके आगे बढ़िए कि मैंने गलत कहा या सही कहा। तो आई होप आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इस तरह के वीडियोस मैं आप लोगों तक लाते रहूंगी। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।